प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से है। आपको बता दें कि पंचकुला में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। बता दें कि दिल्ली के 59 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला पाया गया है। बता दें कि पंचकुला के निजी अस्पताल में 59 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज चल रहा था और मरीज की आंख तक ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन पहुंच गया था, जिसे गंभीर हालत में चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया है। और बड़ी बात तो यह है कि मरीज डायबिटीज से ग्रसित है और ऑक्सीजन पर रखा गया था, और इस बात की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने दी है। उनकी माने तो स्टेरॉयड के इस्तेमाल के चलते ब्लैक फंगस के बढ़ने की ये संभावना जताई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला जिले में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। दिल्ली के 59 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज में ये ब्लैक फंगस का पहला मामला पंचकुला में पाया गया है। और जानकारी के मुताबिक पंचकुला के एक निजी अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा था और मरीज की आंख तक ब्लैक फंगस का ये इन्फेक्शन पहुंच गया था, जिसे गंभीर हालत में चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया है। और बड़ी बात तो यह है कि जिस मरीज में ब्लैक फंगस का ये मामला पाया गया है वो डायबिटीज से ग्रसित है और गंभीर हालत होने के चलते ऑक्सीजन पर रखा गया था। इस बात की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने दी है। उनकी माने तो स्टेरॉयड के इस्तेमाल के चलते ब्लैक फंगस का बढ़ना पाया गया है। बड़ी बात तो यह है कि मरीज का बेटा एम्फोटाइसिन बी इंजेक्शन के लिए एक केमिस्ट से दूसरे केमिस्ट तक पता करता रहा। हालांकि उसे पंचकुला में ये दवाई कहीं पर भी नहीं मिली और जब मरीज की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो प्राइवेट अस्पताल से मरीज को चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो पंचकुला से सामने आ रही है।